शामली पुलिस ने एक और कुख्यात बदमाश का अंत कर दिया है। मुकीम गैंग के कुख्यात बदमाश को कैराना के गांव जलेड़ी के जंगल में पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। बदमाश 50,000 रुपए का इनामी था। मुठभेड़ के दौरान कैराना कोतवाली इंस्पेक्टर भगवत सिंह और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल हम आपको बता दें, मुकीम गैंग के कुख्यात बदमाश साबिर जंधेड़ी की कैराना के गांव जंधेड़ी के जंगल में लोकेशन मिल रही थी, जिसके बाद शामली जनपद पुलिस ने जंगल की घेराबंदी की। पुलिस ने बदमाश को ललकारा तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें कैराना कोतवाली इंस्पेक्टर भगवत सिंह और एक सिपाही घायल हुए। वहीं कुख्यात बदमाश साबिर जंधेड़ी पुलिस फायरिंग में मारा गया है। कुख्यात साबिर कैराना के गांव जंधेड़ी का मूल निवासी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुकीम गैंग ने पश्चिमी यूपी समेत दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा में आतंक मचा रखा था। कैराना में व्यापारियों से रंगदारी, लूट और हत्याओं से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश थर्राया हुआ था। शामली जनपद पुलिस ने साबिर जंधेड़ी को गिरफ्तार कर बाराबंकी की जेल में भेज दिया था। वहीं सिद्धार्थनगर में एक पेशे से लौटते हुए बाराबंकी के जैतपुर टोल प्लाजा से साबिर जंधेड़ी फरार हो गया, तभी से साबिर फरारी काट रहा था। शामली जनपद समेत बाराबंकी और पूरे प्रदेश की पुलिस साबिर जंधेड़ी की तलाश में लगी हुई थी।